सुनो, तो लास्ट टॉपिक जो था वो मैन्युफैक्चर्ड पेंटिंग और मॉडल वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें किसी को कोई डाउट? मॉडलिंग क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम, इट्स ब्रेकिंग। बेटर नाउ? यस मैम। सो पेंटिंग ऑन वुड एंड पेंटिंग ऑन मेटल में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, व्हिच इज पॉलिशिंग ऑन वुड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिशिंग? पॉलिशिंग नॉट ऑन गुड और एनीथिंग, जस्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिशिंग? पॉलिशिंग ऑन गुड हम किसी सरफेस पे फाइन रिफ्लेक्टिव सरफेस क्रिएट करना चाहते हैं, एंड दैट द प्रोसेस टू अचीव दैट फिनिश इज कॉल्ड पॉलिशिंग। एंड नॉर्मली हम लोग किसी सॉल्वेंट या पॉलिशिंग एजेंट या पॉलिश को यूज अप्लाई दैट पॉलिश ऑन अ सरफेस, रब दैट पॉलिश ऑन अ सरफेस, जिससे वो एक फाइन रिफ्लेक्टिव लेयर क्रिएट होती है उससे। एंड मैम, योर इट वॉइस विल इजंट अपीयर क्लियर। अब बेटर आ रही है? यस मैम। ओके, सो पॉलिशिंग इज अ प्रोसेस टू जनरेट अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। एंड नॉर्मली जो पॉलिश होती है उसको, जो पॉलिश मतलब फिनिश होती है, उसे जनरेट करने के लिए हम बहुत ही फाइन माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स यूज करते हैं टू क्रिएट फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऑन द सर्फेस एंड अब्रेसिव प्रोसेस होता है। अब्रेसिव का मतलब आप समझते हैं?
बहुत स्लाइटली बहुत ही स्लाइटली डैमेजिंग होता है टू द सर्फेस, एंड जब उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है जो नॉर्मली रफ होती है उसको हम इन पार्टिकल्स के थ्रू पॉलिश कर देते हैं, फाइन कर देते हैं, सो एक इवन सर्फेस क्रिएट होता है. सो दैट होल प्रोसेस इज पॉलिशिंग. एंड पॉलिशिंग इज अ वेट प्रोसेस, मीन्स इट यूटिलाइजेस एन एजेंट जो कि नॉर्मली लिक्विड होता है टू क्रिएट दैट एब्रेशन ऑन द सर्फेस. एंड जो टॉप मोस्ट लेयर होती है विच इज अनइवन, इट इज रिमूव्ड इन द पॉलिशिंग प्रोसेस. एंड दैट जो थिकनेस होती है उस लेयर की, इट इज मेजर्ड इन माइक्रॉन्स, मतलब वो बहुत ही फाइन होती है. यू कैन नॉट सी द डिफरेंस विद योर नेकेड आई. एंड द सर्फेस फिनिश ऑफ द वर्क पीस टू बी पॉलिश मस्ट बी ऑफ अ हाई क्वालिटी बिफोर इट इज पॉलिश, मीनिंग पॉलिशिंग करने के पहले ही उसका जो क्वालिटी होनी चाहिए उस सर्फेस की वो ऑलरेडी अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एब्रेशन, हम उसका टॉप लेयर हटा रहे हैं, तो अगर वो ऑलरेडी खराब क्वालिटी का होगा तो पहली बात तो सरफेस जितना इंटेंशन है उससे ज्यादा खराब हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ इट बीइंग पॉलिश्ड इट स्टार्ट गेटिंग डैमेज्ड. एंड जो आपको इफेक्ट क्रिएट करना है, जो फाइनल फिनिश क्रिएट करनी है, वो नहीं. एंड वेन इट कम्स टू वुड, तो वुड पॉलिश एंड फिनिश जो होते हैं दे प्रोटेक्ट द वुडन सर्फेस फ्रॉम मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, यूवी रेज एंड अदर करोजिव एजेंट. जो पॉलिश होती है वो इन इट सेल्फ वो एक रिच ग्लॉसी शाइनी फिनिश देती है सर्फेस को. एंड उसके और भी पर्पसेस एंड एडवांटेजेस होते हैं टू पॉलिश द सर्फेस. नो इट्स नॉट जस्ट टू क्रिएट अ शाइनी सर्फेस, वो तो दैट इज अ गिवन. इफ यू आर पॉलिशिंग समथिंग तो उस पर एक अच्छी फिनिश क्रिएट होगी, बट देर आर अदर एडवांटेजेस टू पॉलिशिंग वुड वेल. लेट्स सी व्हाट दे आर. सो हम लोग को वुड को फिनिश करने की जरूरत ही क्यों है? हम लोगों ने फर्नीचर बना लिया, नाउ उसको बनाने में वी चोज द राइट काइंड ऑफ वुड, द राइट काइंड ऑफ वर्क्समैनशिप एंड द राइट डिजाइन. तो इफ यू जस्ट एंड ऑलरेडी हम लोग जो वुड एंड जो जो वुड सिलेक्ट करते हैं वो ये सोच के ही सिलेक्ट करते हैं कि इट विल लुक गुड. सो प्रोडक्ट फिनिश हो गया है तो व्हाई डू यू नीड टू एड एन एक्स्ट्रा स्टेप और मल्टीपल स्टेप जिससे हमारा काम और बढ़ेगा. एंड पॉलिशिंग का प्रोसेस इज स्मेली बिकॉज उसकी एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, एंड इट्स मेसी बिकॉज यू हैव टू लाइक इट्स लाइक पेंटिंग. पेंटिंग में आपको पूरा प्रोटेक्शन क्रिएट करना पड़ता है अराउंड योर वर्किंग सर्फेस एंड इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. एंड वाइल पॉलिशिंग आप अपने इतनी मेहनत से बनाए हुए प्रोडक्ट को खराब भी कर सकते हो अगर आपने पॉलिश सही से नहीं की तो. सो जब हमने ऑलरेडी सुंदर फिनिश मतलब सुंदर प्रोडक्ट क्रिएट किया है तो वाई बॉदर गोइंग थ्रू ऑल दीज स्टेप्स. सो इट पॉलिशिंग वुड इज डेफिनेटली एन एक्स्ट्रा स्टेप एंड पीपल डोंट एंजॉय, मतलब नो बडी वुड लाइक इट अगर आप उनका काम बढ़ाओगे, बट देर आर
good reasons why polishing is good for your woodwork. First is it keeps your wooden product clean, and it also stabilizes it, and you can it uska aesthetic appearance improve karti hai. So why finish wood? First, sanitization. जो finish होती है, जो polish की finish होती है, it seals the porous surface and it makes it less susceptible to soiling and it's easier to clean. मतलब क्योंकि हमारा wooden surface is हमारा वुडन सरफेस कैसा होता है, इट्स पोरस, राइट. हम लोगों ने पेंटिंग में भी ये चीज पढ़ी थी कि हम लोगों का वुड सरफेस इज इट हैज पोर्स, एंड उसमें जो पेंट है अगर हम प्राइमर नहीं लगाते हैं तो पेंट उसमें एब्जॉर्ब होने लगेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने लगेगा एंड योर वुड विल स्टार्ट टू रॉट. सो वुड बीइंग अ पोरस मटेरियल उसमें बहुत सारे पोर्स एंड होल्स होते हैं of different sizes. So in pores mein dirt and grime accumulate ho sakti hai, hoti hi hai when you are using the furniture ya even atmospheric contaminants se jaise ki dhool mitti se. And ab aisa to hai nahi ki every time somebody uses the wood furniture wo apne bilkul saaf haathon se use karega, ya they'll be very जब कोई भी फर्नीचर यूज होता है तो वो गंदा तो होता ही है. एंड इवन सपोज अगर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, तो लोग खाना खाएंगे उससे. इन सब चीज़ों से योर वुड विल गेट डर्टी एंड बिकॉज इट इज पोरस, तो उन पोर्स में ये कंटामिनेटिंग एजेंट्स जमा होने लगेंगे. एंड पहली बात तो वो गंदा लगने लगेगा आपको, वुड का इफेक्ट जो फिनिश थी जो लुक था वो खराब होने लगेगा. एंड ऑल्सो वो इट इज़ अ हेल्थ हैजर्ड, मीनिंग उन उस डर्ट में उस गंदगी में बैक्टीरियाज ब्रीड होने लगेंगे एंड आपका जो फर्नीचर है इंस्टेड ऑफ इट बीइंग यूजफुल इट विल बिकम प्रॉब्लम एरिया. सो पॉलिश से क्या होता है, जो फिनिश होती है इट सील्स द पोरस सर्फिस एंड इट मेक्स इट नॉन एब्जॉर्बेंट एंड नॉन मतलब इट वो डजन बिकम नॉन पोरस, उसके पोर्स फेल हो जाते हैं एंड इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव सर्फिस बिटवीन द एटमोसफेयर एंड कंटेमिनेटिंग एजेंट्स एंड द वुड. सो दैट मेक्स द वुड इट प्रोटेक्ट्स द वुडन सर्फिस एंड ऑल्सो उससे वो ईजिली साफ भी हो जाता है. Now, what's the next point? Stabilization. Stabilization का मतलब क्या होता है? It means कि by itself wood stable नहीं होती है. Wood is hygroscopic. hygroscopic, meaning कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब एंड रिलीज करती है. सो जो भी वुड के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो मॉइस्चर होता है जो वुड के अंदर होता है, इट्स कॉल्ड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वुड. एंड जो मॉइस्चर एनवायरनमेंट में होता है वो या तो वेपर या लिक्विड के फॉर्म में होता है, जैसे हम लोग या तो ह्यूमिडिटी बोलते हैं या लाइक पानी अगर गिर जाएगा वुड पे तो वो पानी होता है. And wood responds to the changes in the level of moisture around it. मतलब कि आप किसी भी चीज़ में देखो, it's like temperature. जहाँ भी गर्म temperature होता है वहाँ से हवा ठंडे की तरफ आती है naturally. वैसे ही moisture का क्या होता है, it always tries to balance itself. तो अगर आपके humidity ज़्यादा है and wood का moisture content कम है तो wood will absorb water to so that equilibrium create ho. Equilibrium matlab balance create ho.
एंड अगर आपके वुड में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है एंड ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ड्राई एटमॉस्फेयर है, तो इट विल रिलीज मॉइस्चर. सो दिस होल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बैलेंस विद इन वुड एंड एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का, इट क्रिएट्स, इट मेक्स द वुड अनस्टेबल. क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा. आप लोगों ने नोटिस किया है कि क्या आपके घर के कुछ डोर्स एंड विंडोज जब मॉनसून होता है तो बहुत मुश्किल से खुलते हैं, बंद होते हैं, वो जैम होने लगते हैं. यस मैम. ये कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है? वो एक क्यों होता है? बिकॉज वुड को कम्प्लीटली ट्रीट नहीं किया गया है एंड उसमें कोई पार्ट एक्सपोज है जहाँ से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले रही है. एंड आप लोगों ने बायो में भी पढ़ा होगा, उसको इम्बाइब करना बोलते हैं. इट इम्बाइब मॉइस्चर, मतलब इट एब्जॉर्ब्स इट एंड स्टोर्स इट विद इन इट सेल्फ एंड उसका ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ता है, सो इट बिकम्स बिगर. तो वो बंद होना खुलने में प्रॉब्लम होने लगती है. देन जब विंटर आती है या समर्स आती हैं, जब ह्यूमिडिटी कम होने लगती है, तो वो आराम से खुलने बंद होने लगते हैं. दिस मीन्स कि जो वुड है वो नेचुरली अनस्टेबल होती है. सो व्हाट डू वी नीड टू डू? हमें उसे उस पे स्टेबल लेयर क्रिएट करनी है सो दैट वो जो मॉइस्चर कंटेंट वुड का है वो उसमें बना रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर का है वो एटमॉस्फेयर में बना रहे हैं. देर इज नो एक्सचेंज, देर इज नो मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर विद इन वुड. तो उससे वो स्टेबल हो जाएगी. सो दैट इज स्टेबलाइजेशन. सो हम लोग अगर पॉलिश कर देते हैं जो कि नॉन पोरस होती हैं, नॉन एब्जॉर्बेंट होती है, तो उससे आपकी वुड विल बिकम स्टेबल एंड इट विल नॉट एब्जॉर्ब और गिव ऑफ एनी मॉइस्चर. एंड जो डायमेंशनल चेंजेस होते हैं, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद वो बढ़ जाता है उसका वॉल्यूम एंड मॉइस्चर गिव ऑफ करने के बाद कम हो जाता है, इस चीज़ को वुड मूवमेंट बोलते हैं. एंड ये पूरे इवन एक सिंगल पीस ऑफ वुड में कंसिस्टेंटली नहीं होता है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपका पूरा एक वुड का पीस एक जैसा एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट्स अनइवन. सो इन एनी केस आपके जो भी वुडन फर्नीचर है उसके लिए इट्स नॉट गुड कि आपकी वुड स्वेल हो या श्रिंक हो. बेसिकली कोई भी वुड मूवमेंट इज नॉट गुड फॉर इट. सो अ फिनिश लिमिट्स मॉइस्चर एक्सचेंज. सो आपके जो पूरे फर्नीचर के जितने भी एक्सपोज साइड्स हैं उसको इवनली पॉलिश से कोट करना चाहिए. इवन जो पार्ट्स एक्सपोज नहीं है, जो आपको नहीं दिख रहे हैं, जैसे टेबल का अंडर साइड, देन चेयर वगैरह का अंडर साइड, जो आप नॉर्मली बाहर नहीं देखते हो बट दे आर स्टिल एक्सपोज, तो आपको पूरा इवन कैबिनेट्स के अंदर का पार्ट शुड बी पॉलिश और एटलीस्ट पेंटेड और कवर्ड या कुछ करना चाहिए. शुड नेवर लीव एनी वुड बेयर. एंड इवेंचुअली अगर बहुत ज़्यादा वुड मूवमेंट होता है तो आपकी वुड रॉट तो करने ही लगेगी अगर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है तो, बट इट विल ऑल्सो स्प्लिट, वो क्रैक होने लगेगी, टूटने लगेगी. एंड इवेंचुअली अगर फर्नीचर है जिसमें जॉइंट्स हैं एंड क्योंकि वुड इवनली एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है तो उसके जॉइंट्स फेल होने लगेंगे, तो आपकी फर्नीचर की ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाती है. सो देयर आर सो मेनी रीजंस जिसके लिए आपको वुड को पॉलिश करना चाहिए टू स्टेबिलाईज. एनी क्वेश्चंस? No. Okay, so the third point is appearance. अगर even आप even if आप wood पे कोई special type की color stain या इस type की varnish या polish नहीं कर रहे हैं, फिर just applying a simple oil या wax finish, तो भी आप उसका अपियरेंस कुछ लेवल तक चेंज करते हो, उसका कलर इंटेंसिफाई हो जाता है, डीपन हो जाता है एंड इट लुक्स
richer. So you are making an aesthetic choice. So in addition to stabilizing wood and protecting it, wood finishing या polishing is also decorative, meaning वो उसका appearance change करता है, even if it's just a simple oil or wax finish, जिससे उसका color नहीं change होता है, but the color becomes richer and it becomes a little glossy and it looks more refined. But even other than that, you have an इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज जिससे आप अपने वुड को डेकोरेट या फिनिश कर सकते हो. एंड हम लोग वाइडली एस्थेटिक्स को या अपियरेंस को वुड के तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो ऑब्वियसली कलर है, सेकेंड इज टेक्स्चर एंड द थर्ड इज शीन. सो कलर के लिए आप या तो वुड को स्टेन कर सकते हो, विच मीन्स कि जो भी कलर है या स्टेन है उसे आप डायरेक्टली वुड पे लगाते हो, देर इज नो लेयर बिटवीन द वुड एंड द स्टेन. एंड देन एक और तरीका होता है वुड पे कलर देने का, जिसे हम ग्लेजिंग बोलते हैं. ग्लेजिंग मीन्स कि आप जो भी फिनिश या पॉलिश दे रहे हो उसके लेयर्स के बीच में आपने एक कलर का लेयर भी डाल दिया, मीनिंग आप एक लेयर ऑफ पॉलिश डाला, देन आपने एक लेयर ऑफ कलर डाला, देन अनदर लेयर ऑफ फिनिश. सो इट्स लाइक सैंडविचिंग योर कलर बिटवीन लेयर्स ऑफ पॉलिश एंड दैट मेक्स इट लुक इवन मोर, वो थोड़ा एक ओपेक लुक देता है आपको. सो दैट इज ग्लेजिंग. एक था स्टेनिंग जिसमें हम स्टेन डायरेक्टली वुड पे लगाते हैं, देन सेकेंड वॉज ग्लेजिंग. एंड थर्ड तरीका होता है कि इंस्टेड ऑफ लेयरिंग और डायरेक्टली अप्लाइंग, आप क्या करते हो, आप अपने पॉलिश में ही कोई कलर ऐड कर देते हो. सो आपके पॉलिश में ही जब कलर ऐड हो जाता है तो आपकी पॉलिश का कलर डिफरेंट हो जाता है. तो दैट क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रांसलूसेंट इफेक्ट ऑन योर वुड एंड दिस इज कॉल्ड शेडिंग या टोनिंग. इसमें आपका नेचुरल वुड का जो ग्रेन होता है उसको आप देख सकते हो, इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट लेयरिंग. आपके वुड का ग्रेन भी दिखता है एंड वो जो कलर है वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है. सो जो स्टेन होता है क्योंकि वो बेयर वुड पे लगाया जाता है, तो आपके जो ग्रेन है वुड का, नेचुरल लाइंस हैं, वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती हैं, वो और ज़्यादा डीपन एंड डार्कन हो जाती हैं. सो इट एम्पलीफाइज द कलर ऑफ योर वुड. डिपेंडिंग ऑन कौन से कलर का आप स्टेन चूज कर रहे हो, उतना कलर ऐड हो जाता है. देन स्टेनिंग में एक प्रॉब्लम है कि आपको जो वुड में डिफेक्ट्स हैं एंड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्क्रैचेस हुए, मशीन मार्क्स या अनइवन डेंसिटी या नॉट्स जो भी हुआ, वो और ज़्यादा हाईलाइट होने लगता है, बिकॉज जो भी वुड नेचुरल वुड का टेक्सचर एंड कलर है उसको एम्पलीफाई कर देता है, तो वो ऑब्वियसली डिफेक्ट्स को भी एम्पलीफाई करेगा. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जब भी आप किसी भी वुड को स्टेन कर रहे हो. देन ग्लेजिंग, अगर आप थिन लेयर्स में लगाते हो तो वुड के कलर का टोन चेंज हो जाता है. एंड कलर का टोन क्या होता है? बेसिक डिजाइन में पढ़ा था, व्हाट इज द टोन ऑफ अ कलर? टोन, टिंट, शेड. Anyone? Yes.
ह्यू तो ह्यू होती है, टोन टोन होता है. ह्यू इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ कलर. एंड हम क्या मिलाएंगे उस कलर में कि हमें टोन मिलेगा? ग्रे मैम, ग्रे राइट. अगर हम किसी, करेक्ट, किसी कलर में हम ग्रे मिलाते हैं तो वो उसका टोन क्रिएट करता है. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. जैसे इसमें अगर हम सपोज ग्रे ग्लेजिंग में अगर हमने जो पॉलिश के बीच में कलर लगाया वो अगर ग्रे है तो वुड के नेचुरल कलर में वो कलर मिक्स हो जाएगा. या फिर अगर हमने ग्रे की जगह कोई और कलर लगाया, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है दिस टेबल, दिस टेबल इसमें हम लोगों ने, नॉट दिस, या दिस वन, इस टेबल में अगर हम जो साइड में वुड की पट्टी दिख रही है उस पे अगर, जैसे ये रेड कलर दिख रहा है वो तो हमने शेड किया है क्योंकि उसमें हमें ग्रेन फिर भी दिख रहा है या मे बी पेंट किया है. बट अगर हम इस स्ट्रिप ऑफ वुड पे रेड कलर की ग्लेजिंग करेंगे तो हमें वुड का कलर एंड वुड का ग्रेन दिखेगा बट उसमें एक रेड टोन ऐड हो जाएगा, लाइक फिल्टर ऐड कर देना किसी कलर का, वो इफेक्ट क्रिएट होता है. लेट मी शो यू. सी, इसमें इन्होंने ब्राउन कलर का ग्लेज किया है तो जो वुड का ग्रेन है वो तो दिख ही रहा है बट इट्स लाइक एक ब्राउन कलर ऐड हो गया है. इट्स लाइक ब्राउन कलर का फिल्टर ऐड हो गया है. द डार्कर पार्ट इज द ग्लेज पार्ट और जो लाइट पार्ट है वो नेचुरल वुड है. सो ग्लेजिंग इज लाइक एडिंग अ कलर फिल्टर ऑन इट. देन स्टेनिंग, एंड ग्लेजिंग किसी भी कलर की हो सकती है. इन दिस केस इट्स ब्राउन पर वो किसी भी कलर की आप ग्लेजिंग कर सकते हो. लेट मी शो यू. वाइट ओक को हम लोगों ने अलग अलग स्टेन्स से पॉलिश किया है. जैसे इन दिस केस इट्स
दिस येलोइश स्टेन, दिस इज अ ग्रे स्टेन इसमें, एंड आपको स्टेन के कलर्स ग्रेश से ब्राउन, डार्क ब्राउन मिलते हैं. इट्स ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन, क्योंकि स्टेनिंग क्या है, यू यूज इट टू चेंज द डार्कनेस ऑफ द वुड का कलर, मतलब उसकी इंटेंसिटी चेंज करने के लिए यूज करते हो, बट यू वॉन्ट इट टू स्टिल लुक लाइक वुड एंड नेचुरल वुड. सो सी, इस केस में दिस इज डार्क डार्क ओक वुड, एंड ये थोड़ा ग्रेश ब्राउन है, एंड तो इट स्टिल लुक्स लाइक वुड, इट डजंट लुक लाइक वाइट ओक. मतलब वाइट ओक कैसा दिखता है, आई शो यू. वाइट ओक का कलर ऐसा होता है, इट्स वेरी पेल बेज. अब स्टेनिंग से हमने उस कलर को ये टी कोट जैसा बना दिया, दिस इज टी कोट टाइप. ये थोड़ा डार्कर फिनिश है, दिस लुक्स लाइक वॉलनट, दिस लुक्स लाइक एबनी. तो हमने वुड का लुक चेंज कर दिया, बट इट स्टिल लुक्स लाइक वुड, बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ वुड. ओके, सो तीन तरह से हम लोग वुड को कलर दे सकते हैं, वाइल स्टिल मेंटेनिंग द वुड ग्रेन एंड एवरीथिंग. सो शेड, सो स्टेनिंग से क्या होता है, वो बेयर वुड का जो भी लुक है वो एम्पलीफाई हो जाता है, एंड देन ग्लेजिंग अगर लाइटली अप्लाई किया है तो वुड का कलर का टोन चेंज कर सकता है. एंड अगर हम उसे थिक तरह से, जैसे पोर्सलिन को ग्लेज करते हैं, तो अगर हम उसको थिक लेयर्स में अप्लाई करते हैं तो हम वुड के ग्रेन को भी रिक्रिएट कर सकते हैं. सपोज हमें प्लेन सॉफ्ट वुड पे, अगर हमें इवन मार्बल या लेदर का लुक क्रिएट करना है, तो वो हम ग्लेजिंग से कर सकते हैं. ये लेदर लुक फिनिश क्रिएट की है ऑन वुड. ये जो है ये ओरिजिनल वुड है, ठीक है. इस पे अगर हम
शेडिंग करते हैं तो ऐसा दिख सकता है, राइट? एंड अगर हम ग्लेजिंग से लेदर लुक क्रिएट करते हैं तो ऐसा दिख सकता है. क्लियर? यस मैम. अभी देन ये तो कलर था, हम बोर्ड के कलर को थ्रू पॉलिश कैसे चेंज कर सकते हैं. देन टेक्सचर, सारी बोर्ड्स का नेचुरल टेक्सचर होता है, ये तो हम लोगों ने फर्नीचर डिजाइन में भी देखा है, इसमें भी देखा है. एंड इस टेक्सचर को जैसे हम लोगों ने भी कलर में देखा, अगर हमें इसे प्रिजर्व करना है, वी वांट टू प्रिजर्व द लुक एंड टेक्सचर एंड ग्रेन ऑफ द वो नेचुरल वुड, तो हम अपनी फिनिश को बहुत ही थिन लेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं. देन एंड बिकॉज जो लोग नेचुरल सॉलिड वुड के फर्नीचर या फिनिशिंग या पैनलिंग के लिए ऑप्ट करते हैं इन देयर डिज़ाइन, तो इट मीन्स दे वांट टू हाईलाइट द लुक ऑफ वुड. हम हाइड कर, अब हम सपोज ओक वुड यूज कर रहे हैं अपने डिजाइन में, तो वी आर नॉट गोइंग टू हाइड दैट वी आर यूजिंग ओक वुड, इट्स एन एक्सपेंसिव वुड एंड वी वुड वॉन्ट इट टू बी हाईलाइटेड बिकॉज इट इज अ ब्यूटिफुल वुड, तो हम उसे छुपाएंगे क्यों. सो जब हम उसे पॉलिश करेंगे तो वील अप्लाई आर फिनिश इन अ थिन लेयर सो दैट वी कैन स्टिल सी द नेचुरल लुक एंड टेक्सचर ऑफ द वुड. सो इट्स वेरी पॉपुलर एंड इट्स इवन कॉल्ड अ नेचुरल वुड फिनिश. नेचुरल वुड फिनिश का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि हमने उस वुड पे कोई भी फिनिशिंग मटेरियल नहीं लगाया. इट यूजुअली मीन्स कि हमने ऐसी फिनिशिंग की है कि यू कैन स्टिल सी द नेचुरल वुड एंड उसको आप अचीव करने के लिए वी यूज ऑयल्स या वैक्स. एंड इफ यू वॉन्ट अ डिफरेंट ग्लॉसीनेस या डिफरेंट फिनिश, तो आप उससे वार्निश से, शेलैक से, लैकर से भी अप्लाई कर सकते हो. वो क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे. एंड बाय फिलिंग या पार्शियली फिलिंग द पोल्स, हम टेक्सचर, वुड के टेक्सचर को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं. डू यू रिमेम्बर वेन वी वर डिस्कसिंग विनियर्स एंड आई टॉक्ड अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विनियर्स जिसमें हम फिनिशेस ले सकते हैं, ओपन पोर या क्लोज, एंड यू सॉ दो सैंपल्स जो साइड बाय साइड रखे थे, जिसको हमने सिर्फ पॉलिश एंड रेजिन फिनिश से उसका लुक कंप्लीटली चेंज कर दिया था. सो बाय कंप्लीटली फिलिंग द पोर्स और पार्शियली फिलिंग द पोर्स, हम लोग वुड का टेक्सचर एंटायरली चेंज कर सकते हैं. एंड जो सबसे रिफाइंड फिनिशेस होती हैं, जो मोस्टली डाइनिंग टेबल टॉप्स या ऐसे फर्नीचर पे यूज होती हैं जिसपे मॉइस्चर एक्सपोजर ज्यादा होगा या ज्यादा गंदे हो सकते हैं, तो उसमें फिल्ड पोर्स ही किया जाता है यूज. अदरवाइज हम जितना भी एक्चुअल टेक्सचर उस पर देंगे उतना ही ज्यादा उस पर डर्ट जमा होगी एंड इट विल मोर बी मोर डिफिकल्ट टू क्लीन. एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ अपीयरेंस, एक हमने कलर डिफाइन कर दिया. कोई भी लुक, किसी भी चीज या बोर्ड का लुक जो होता है उसका या तो हम कलर डिफाइन करते हैं, टेक्सचर डिफाइन करते हैं, या शीन डिफाइन कर सकते हैं. मतलब क्या वो ग्लॉसी है, क्या वो सैटिन फिनिश है, या वो मैट फिनिश है. एंड इसको कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं, शीन कंट्रोल करने के. फर्स्ट इज बाय चूजिंग अ फिनिश दैट हैज द शीन दैट यू वॉन्ट टू बिल्ड, मीनिंग या तो हम हाई ग्लॉस पॉलिश यूज करेंगे या सैटिन पॉलिश यूज करेंगे, फ्लैट मीनिंग मैट फिनिश यूज करेंगे. एंड द सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड ऑप्शन टू क्रिएट द डिजायर्ड शीन इज बाय रबिंग एंड पॉलिशिंग द क्योर्ड फिनिश टू द शीन यू वॉन्ट. मतलब हमने पॉलिशिंग कर दी, फिनिश कर दी, एंड देन हम उस पर सॉल्वेंट्स एंड जो भी एजेंट्स होते हैं वो डाल के उसे रब करेंगे टू क्रिएट फ्रिक्शन, अब्रेशन से करेंगे तो उस पर फ्रिक्शन से वो शाइनी
फिनिश आ जाएगा एंड वी कैन कीप रिपीटिंग इट अंटिल हमें जो डिजायर्ड फिनिश शीन ग्लॉस चाहिए वो मिल जाए। सो या तो वही पर्टिकुलर टाइप की फिनिश यूज करो या फिर जो भी फिनिश यूज की, सपोज आफ्टर द फैक्ट हमने हमारे पास टेबल पड़ी हुई है, इट इज अ हाई ग्लॉस टेबल, बट नाउ आई वांट टू यू नो आई डोंट वांट टू रीडू इट बट आई जस्ट वांट टू गिव इट अ फ्रेश लुक, तो हम उसको पॉलिश करके रबिंग करके उसको थोड़ा मैट या सैटिन लुक दे सकते। सो दिस वाज ऑल द थ्री बेनिफिट्स या एंड रिजल्ट्स जो हम अचीव कर सकते हैं थ्रू फिनिशिंग वुड। वन इज सैनिटेशन, उसे साफ रख सकते हैं। स्टेबलाइजेशन, उसे मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड इज अपियरेंस, वी कैन कंट्रोल हाउ द फिनिश्ड वुड लुक्स। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी द डिफरेंट नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिश जो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने वर्ड पे टू क्रिएट ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लुक्स एंड फिनिशेस। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास आपकी मटेरियल कंस्ट्रक्शन की है, तो आई विल गिव यू 5 मिनट्स एंड उसके बाद आई विल सेंड यू द लिंक।